इसका ऐसे रिलीज करवा के कोशिश की जाए कि ये काम जो एमपी नकवन के हवाले से बने इनको प्रायोरिटी पे किया जाए। इसके लिए एक रबते का सिलसिला होना चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने कहा कि लोकल पर्सन नॉमिनेट होने चाहिए, तो वो हर अजला के लिए भी हम आपको नॉमिनेट करके और तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे जिससे मैं भी होंगे, तो आप लोगों के भी जो नाम आप लोग देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करना, और जिसमें वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक TMC इनके लोगों को भी हम शामिल कर लेंगे ताकि जो खुले पैर हो। अच्छा जी, कंटोनमेंट के अच्छा चलो मैं कंटोनमेंट के CEO से बात कर लूँगा। नहीं, मैं खुद बात करूँगा उनके CEO से। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी और जो भी हमारी इंसानी वसायल हैं और उसके अलावा जो माली वसायल हैं पूरी तरह लोगों का लाएंगे। रबी नवल का महीना हमारे लिए यकीनन मुसलमान होने के हवाले से इंतहाई मुबारक और इंतहाई दीन का महीना है। उसके तकद्दस को कोशिश करेंगे कि पूरी तरह बहाल भी रखा जाए और पूरी तरह उसको उसके शायर शान तरीके से मनाया जाए। उसके सिलसिले में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर आप लोगों के साथ होगी और कोशिश करेगी कि इसको एक मिसाली तौर पर हो सके। आखिर में दुआ की दरख्वास्त करता हूँ आपकी जो भी मीटिंग फैसले के मुताबिक हर किस्म के हादसा से नुकसान से दहशत गर्दी से अल्लाह हम सब को महफूज व माउन फरमा। या अल्लाह तेरी बारगाह में से बाद दुआएं जितने भी अवाब शरीक हुए या अल्लाह सब की रोज़ी में रिजक में अमन में बरकत अता फरमा। बरकत इन अल्लाह मुनाकत हुई सलून आला नबी या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद बारक सल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलि व सहाबिही अजमईन बि रहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये बताइएगा कि रबीउल अव्वल के हवाले से ये मीटिंग हो रही है, क्या मामलात यहाँ पर रहे, कमिश्नर साहब से जो बातचीत हुई? मामला ये मीटिंग तकरीबन अरसा दराज से होती रही है और ये रूटीन का हिस्सा है और मीटिंग्स होती हैं, लेकिन इसका मतलब सही मानों में रिज़ल्ट मिलता नहीं यार। और ये मौके से कुछ अरसा पहले की जाए ज़्यादा अच्छा है ताकि इसके कुछ रिज़ल्ट भी आएँ। और जो शिकायत जो मामलात हैं इस वक्त ख़ास तौर पर कराची के जो सेवरेज के मामलात हैं या फिर रोडों के टूट फूट का मामला है, इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए और इसको मतलब सर नो जहाँ तामीरात है उसको तामीर किया जाए। और ये आका अलैहि सलाम की विलादत का महीना है, खुशी का महीना है, ना कि खुशी का इजहार करते हुए जाएं और रास्ते में गटर का पानी खड़ा हो, कपड़े नापाक हों। तो इसके लिए हमारी गुजारिशात हैं, मारूजात हैं, ये इनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको आप हल करें। और जितना हमारे साथ जो है वो अकबर दर्श साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी मालूम करेंगे कि क्या सूरत हाल रही है आज की मीटिंग में और कैसे मामलात रहे। इनका बड़ा कदीम जुलूस जो है वो कराची से बरामद होता है। जी
दर साहब बताइएगा कि आपका जुलूस कितने अरसे पुराना है? ये तकरीबन इसको 150 बरस हो गए हैं कराची से बरामद होते हुए। हमारे इसकी क़यादत पहले हमारे जद्द अमजद अल्लामा अब्दुल करीम दर्स रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, पीर गुलाम मजद सरहंदी इनके साथ काम किए हुए थे, और सूबे सिंध खिलाफत मूवमेंट के वो प्रेसिडेंट भी थे। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली पर जो मुकदमा चला है खानिक डिना हॉल में, उसकी सारी पैरवी हमारे जद्द अमजद अल्लामा अब्दुल करीम दर्स ने फरमाई थी। फिर उसके बाद सन 1926 से लेकर सन 1972 तक हमारे वालिद गिरामी अल्लामा ज़हूरुल हसन दर्स, जिनकी इख्तदा में कायदे आज़म ने पहली नमाज ईद अदा फरमाई है, वो उसकी क़यादत फरमाते थे। और 72 से लेकर अब ये 2020 का हंगाम है, मेरे बिरादर असगर मौलाना मोहम्मद असगर दर्स साहब और मैं जो है वो इस जुलूस की क़यादत में शामिल रहते हैं। और इसमें हर साल जो है ये कदीमी जुलूस है कराची का, जो जमात सुन्नत का जुलूस जो है वो 100 बरस बाद हमारे जो है वो बरामद हुआ। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए आपके जुलूस का रूट कहाँ से कहाँ तक? हमारा जो है वो टावर से लेकर और आराम बाग तक है, और एक ही रूट पर दो परमिशनें देना ये इंतज़ामिया की बहुत बड़ी नाअहली थी कि साहब जब एक जुलूस की परमिशन मौजूद है तो तिब्बत सेंटर पे से हम राइट हैंड पर घूम जाते हैं, तिब्बत सेंटर के बाद अगर दी जाती तो फिर अलहदा बात थी। लेकिन ये है कि एक ही रूट पर टावर है, टावर से कितना दूर है न्यू मस्जिद वोल्टर मार्केट, लेकिन उस वक्त सियासी हालात की बुनियाद पर जो है उन्होंने सियासी दबाव के अंदर जो है ये परमिशन दी थी। आपस में कोई कभी हमारा कलेश तो नहीं होता, हम ये करते हैं कि बहुत कोऑर्डिनेट, चूँकि देखें दोनों जिक्र मुस्तफ़ा के लिए निकले हुए हैं, इसलिए हम आपस में इनको बाद अवकात जहमत होती थी कि हम अपने शेड्यूल टाइम से अगर निकलें तो इनको पहुँचने में बहुत ज़्यादा ताखिर होती थी। हम ये करते हैं कि हर साल शेड्यूल टाइम से एक घंटा पहले, डेढ़ घंटा पहले वहाँ से रवाना हो जाते हैं ताकि जो इनको कोई जहमत हो। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से जो है रबीउल अव्वल के जुलूसों की तैयारी हो रही है, कमिश्नर कराची की सदारत में जो है वो ये इजलास हुआ है, और इस इजलास में जो है तमाम जो है मामलात शिकायतें दूर करने के लिए नोट कर ली गई हैं, जो आइंदा उम्मीद की जा रही है कि जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी।